आज हम कुछ शब्दों की चर्चा करेंगे, जैसे पुलिन, तट, तीर, कूल, किनारा। ये सब मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं। सबका अर्थ होता है किनारा, लेकिन साहित्य में इनका कहाँ प्रयोग किया गया है, इनमें क्या समानताएं असमानताएं हैं, कविताओं को पढ़ते समय ये जब शब्द आते हैं तो अर्थ बता के निकल जाते हैं हम, लेकिन इनका संक्षेप में देखेंगे कि सूक्ष्म अंतर क्या है, किसको क्या कहते हैं, पुलिन क्या है, तट क्या है, तीर क्या है, क्या इनमें कोई अंतर है, इसको देखेंगे हम। किनारा क्या है, कूल क्या है, एक कविता हम लोगों ने पढ़ी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। उनका एक कविता संकलन है अणिमा, 1943 में प्रकाशित हुआ था कविता संकलन। उसमें 11वां कविता है, 11वीं कविता है उसमें, स्नेह निर्झर। तो जिन शब्दों का हम चयन किए हैं, उस कविता के अंतिम पद में ही आता है, अंतिम स्टंजा है वो। पहली पंक्ति है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। और अंतिम जो स्टंजा है जिसमें हम पुलिन की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। अर्थ बताए जाते हैं, शब्दों के अर्थ भी बताए जाते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरह से इन शब्दों की व्याख्या करूंगा। अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। इस स्टंजा में आया हुआ है कि अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, इसमें एक अलंकार भी है। कविता पढ़ते समय सब चीज़ पर ध्यान रहना चाहिए। पुलीन पर प्रियतमा, प प प, पुलीन में भी प, आगे भी पर, उसके बाद भी प्रियतमा। वर्णों की सुंदर संयोजन को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पुलीन पर प्रियतमा, प प प आया, जो ये अनुप्रास अलंकार है। अनुमने बार बार, पीछे पीछे, अप्रास मने वर्णों की आवृत्ति है, वो अनुप्रास अलंकार। तो पुलिन कविता पढ़ाते हैं, अर्थ बताते भी हैं, पुलिन माने लिखवा दिए किनारा, लेकिन शब्दों के प्रति जिज्ञासा, खोजी भाव रखने वाले कि जिज्ञासा इतने से शांत नहीं होगी। उन्होंने क्यों नहीं लिख दिया कि अब नहीं आती तट पर प्रियतमा, जितना पुलीन पर प्रियतमा अलंकार दे दिए उतना तट पर प्रियतमा में सौंदर्य नहीं है संयोजन का। अब नहीं आती कूल पर प्रियतमा, अब नहीं आती तीर पर प्रियतमा, जब सबका अर्थ किनारा ही है तो दे देते, कवि का भाव है वहां। अब हम देखते हैं कि पुलिन क्या है। नदियों के किनारे, गंगा नदी के किनारे हम लोगों ने देखा है, पानी जहां से जाके और पीछे हट गया है, पुल बने ऊंचा होना, नदियों के द्वारा लाई गई बलवाही मिट्टी से
जो नदी के तुलना में, नदी की तुलना में नदी की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा हो गया है। पुल माने ऊंचा होना, जो पुलिन शब्द है यह, इसमें जो पुल है अनिभी पुल, पुल का माने ऊंचा होना, टू बी ग्रेट, टू राइज, टू बी हाई, ऊंचा होना अन्य तल की अपेक्षा। पुलिन, नदी का पानी वहां तक गया है फिर पीछे हटा, तो जो जमीन तत्काल पानी से निकला हुआ है, भीगा हुआ पानी के बाद तत्काल जो जमीन का हिस्सा है, भूमि का जो हिस्सा है, वो पुलिन है, वो भी किनारा है, वो अल्लुवियल लैंड है। पुलिन ये क्या है? पुलिन है, अल्लुवियल लैंड है यह। ए के चलते डबल एल हो गया है यह, नहीं तो ए लुवियल ही है। इसका मतलब टू वॉश, लुवियल का मतलब टू वॉश, पानी जिस जमीन को अभी अभी धो के पीछे हटा है, वो गीली मिट्टी होती है, पानी वहां तक था फिर पीछे हट गया, तो ये जो अभी अभी मिट्टी बाहर निकली है पानी से, वो पुलिन है। मतलब कि एकदम क्लोज वाला, भले ही सूख गई हो बात अलग है वो, लेकिन पानी के बाद नदी के किनारे पानी से बाहर जब निकलते हैं तो पुलिन पर ही चढ़ते हैं हम, ये पुलिन है। अल्लुवियल लैंड, वो सैंडी रिवर बैंक है, नदी का किनारा है, सैंडी जो बलुआही है, नदी पानी का छोर और पुलिन सटे है एकदम, डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। वो जो सैंडी लैंड है, नदी के पानी द्वारा जो जमा कर दिया गया है मलबा, पुलिन है। अब पुलिन के बाद तट का नंबर आता है, जिसको हम तटमन किनारा कहते हैं। तो नदी के पानी से बाहर निकले तो पुलिन, पुलिन के बाद आगे गए तो तट, तटस्थ जिसको कहते हैं, न इधर न उधर, न पानी में और बाहर, बीच में। तट के बाद तीर का नंबर आता है। यदि हम गहराई में देखते हैं तो पुलिन माने भी किनारा, ठीक है, तट माने भी किनारा, तीर माने भी किनारा, लेकिन क्रमबद्ध पहले पुलिन है, ये नदी का पानी है, यदि तो जीव बाहर निकले पुलिन है यह, पुलिन से और आगे आए तो तट है यह, तट के बाद इधर आए तो तीर है यह। अंतर स्पष्ट हो रहा है, क्या है पुलिन, क्या है तट, क्या है तीर। गंगा नदी के किनारे जो बस्तियां बसी हुई हैं वो तीर पर बसी हैं, तीर पर, यमुना तीरे और कुंज कुटीरे, यमुना के तीर पर कुंज कुटीरे, तट यमुना के तीर कदम चढ़ी, दोनों आ गया एक ही वाक्य में, तट यमुना के तीर कदम चढ़ी, कान्हा बजाई गए बांसुरिया। तट यमुना के तीर, यमुना के तीर, तट यमुना के तीर कदम चढ़ी, कान्हा बजाई गए बांसुरिया। तट यमुना के तीर, यमुना के तीर ऊपर वाला भूमि जहाँ बस्ती बसती है, उससे अंदर जब उतरिएगा तो तट है, उस पर बांसुरी बजाए वो। तट
तट जब कहा गया तो वही मतलब है इसके, तट यमुना के तीर, दोनों कैसे आ गया, दोनों मतलब फर्क है दोनों में। ये पंक्ति क्या कह रही है कि तट यमुना के तीर कदम चढ़ी, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है और उसका भाव ये है। पुलिन निराला जी ने प्रयोग किया है कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, वो पुलिन वो है जहाँ बैठ करके नदी में पानी में पैर डाल के हिलाया जा सके, वो पुलिन है। उस पुलिन पर अब नहीं आती प्रियतमा, जहाँ से बैठ के नदी में पैर डाला जा सके। यमुना तट श्याम खेले होरी, वो तट क्या है, पुलिन के बाद और थोड़ा ऊपर चढ़ जाइए, इसके बाद और ऊपर चले जाइए, जहां अब बस्तियां मिल रही हैं, समतल जमीन पर आ गए हम, वो तीर है। चला हुई है नंदल होरी है यह, चला हुई है नंदलाल राधा यमुना के तीरे, सब जगह खोजनी न मिलले मुरारी, चल के पूछल जाई उनकर हाल, चलो हुई है नंदलाल ये सखी यमुना के तीरे। तीर पर कहा जा रहा है इसका मतलब कि ऊपर समतल भूमि पर जहाँ इधर उधर कुछ कुटीर हैं, बस्तियां हैं, होली बस्ती में न खेली जाएगी, तीर बस्ती में तट पर नहीं। वहां यह नहीं कहा गया कि चलो हुई है नंदलाल ए राधा यमुना के तट, तट अब उस जमीन से नीचे उतर रहे हैं नदी में। तो चलो हुई है नंदलाल ए राधा यमुना के तीरे, सब जगह खुजली न मिलले मुरारी, चल के पूछल जाई उनकर हाल, चलो हुई है नंदलाल ए राधा यमुना के तीरे। ये तीर है, कहीं तट का प्रयोग किया गया है, तट यमुना के तीर कदम चढ़ी, कहीं तीर का कहीं तट का, कहीं पुलिन का कहीं कुल का। एक जगह और व्याख्या की गई है तीर क्या है, एक थोड़ा संस्कृत में है, सार्ध हस्त शतम, सार्ध माने साढ़े, हस्त माने हाथ, शतम माने सौ, साढ़े सौ हाथ का मतलब क्या हुआ, साढ़े सौ का मतलब डेढ़ सौ हाथ, सार्ध हस्त शतम यावत जहां तक गर्भतः तीरम उच्चेते। तीर किसको कहा जाता है कि नदी के गर्भ से सार्ध हस्त शतम दूर तीर है, सार्ध माने साढ़े, सार्ध हस्त शतम यावत गर्भतः तीरम उच्चेते, वो तीर कहलाता है। अब तो गर्भ का क्या है, गर्भ का कैसे जानेंगे कि नदी का गर्भ क्या है, गर्भ से अब गर्भ के बारे में बताया गया है कि भाद्र कृष्ण चतुर्दश्याम, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन, भयंकर वो बरसात का महीना है, वो तिथि भी भयंकर बारिश की, बाढ़ की, अधिकतम बाढ़ का वो मौसम है, जो इस तरह से साहित्य में कहा गया है कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्दश्याम यावद आक्रमते जलम, नदी का जल जहां तक आक्रमण कर जाता है, चला जाता है भादो के महीने में। मतलब इसका आशय है कि नदी का पानी दूर तक जहां तक जा सकता है, बाद में हट के पीछे चला गया वाला बात है, लेकिन अधिकतम वो पानी जहां तक जाता है बाढ़ के दिन में, वो सब नदी का गर्भ है।
भले जाड़े के दिनों में अन्य दिनों में पानी पीछे हट गया, लेकिन भाद्र कृष्ण चतुर्दश्याम यावत आक्रमते जलम, जहां तक जल चढ़ जाता है तावत गर्भम, वहां तक गर्भ है नदी का, तावत गर्भम विजानियात जानो, तत् अन्यत उसके बाद तत् अन्यत तीर मुच्यते, उसके बाद तीर होता है। अब मिला लीजिए गंगा नदी का जल कहाँ तक बरसात में चढ़ जाता है, वो सब छोड़ दीजिए, सब गंगा नदी का गर्भ है जहाँ तक पानी जाता है, और वहाँ के बाद जो है वो तीर है। तो अब तीर पर न बस्तियाँ बसी हैं, तो पानी के सबसे नज़दीक पुलिन, उसके बाद की भूमि तट, और उसके बाद की भूमि तीर। तट क्या है? बैंक ऑफ फेरी भर उसको कहते हैं, वो शोर है, शोर ऑफ सी, समुद्र का शोर है, कोस्ट है वो, दहरिया विद इन व्यू कोस्ट को कहते हैं, विद इन व्यू, उसके बाद अब नदी है, वो कोस्ट है, नदी के किनारे हमारे व्यू में जो एरिया आती है वो कष्ट है, तट है। शोर क्या है? सी शोर जिसको कहते हैं, द लैंड अलोंग द एज ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर, गंगा नदी हो, कोई नदी हो, समुद्र हो, वो बॉडी ऑफ वाटर उसको कहा गया है, उसके किनारे किनारे जो भूमि है, गर्भ के बाहर बाहर उस शोर है। तो अच्छा, कुल क्या है? कुल माने भी किनारा, वो भी तट है, ढलान है, जहां से नदी की ढलान शुरू होती है, उतार है, छोर है, कुल कोर है, सिरा है, कुल वो बैंक शोर पौंड लेक है कुल। अच्छा, अनुकूल क्यों कहते हैं हम लोग? कुल अनुकूल, कुल माने किनारा, अनु माने पीछे, जो हमारे किनारे पर हो अनुकूल है, अब प्रतिकूल दो दूसरे किनारे पर है वो प्रतिकूल है। अनुकूल प्रतिकूल का हम क्या, अनुकूल माने सीधा हमारे, और कुल प्रतिकूल माने उल्टा, उस छोर पर है हम इस छोर पर हैं, अनुकूल हमारी ओर है, प्रतिकूल उस ओर है, कुल माने किनारा। बस्ती नदी के तीर पर होती है, कुल में ये सब आ जाता है। तीर एक और तीर का है, तीर यदि हम लेते हैं इस तरह से धात जैसा, तीर का अर्थ होता है पार जाना, जिसे तार देना, किसी को तार देना माने पार लगा देना, उसमें तीर ही है, तीर पार जाना। तीर का एक अर्थ होता है टू फिनिश, छोर, खुश्क जो जमीन है वो तीर है, खुश्क जमीन, सूखी जमीन, टू फिनिश, वहां समाप्त होता है तीर के बाद। किनारा क्या है? किनारा तो सबको, सब किनारा में आ जाएगा, पुलिन भी किनारा है, नदी किनारे, तट भी किनारे है, तीर भी किनारे है, वो सब कुछ किनारा में आ जाएगा। किनारा फारसी का शब्द है, ये जो किनारा है वो फारसी है, यह तीर जो है फारसी में, ये यदि फारसी शब्द है तो ये तीर माने किनारा नहीं होगा, बाण होगा, जिसको हम कहते हैं तीर का निशान, तीर के निशान में जो तीर है वो फारसी शब्द है। तीर यदि फारसी में प्रयोग किया तो उसका हो गया बाण, किनारा फारसी है ही,
बाकी ये सब पुलीन, तट, कूल, ये सब संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। निराला जी कविता में एक चीज और है, निर्झर। निर्झर झरना हो गया, काम तो तमाम यही हो गया, अब क्या बताना है। लेकिन नहीं, निर्झर क्या है, इस शब्द किस आशय को प्रकट कर रहा है निर्झर। ये जो निर्झर है, नी और झर है, इसकी व्याख्या करें तो होता है कि निर्झणाति जीर्णी भवति। जीर्णी भवत माने टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखरा जाना, छितरा जाना। जीर्ण शीर्ण का अर्थ क्या हुआ, बिखरा हुआ, टूटा फूटा। निर्झर में टूटे फूटे होना, बिखरा होना, स्केटरिंग का भाव है। झर जो है निर्झर, झर जो है झरझर माने छितरा जाना। निर्झणात, निर्झर माने निर्झणात, इसका अर्थ हुआ जीर्णी भवति, जीर्ण शीर्ण होना, जिसको हम लोग कहते हैं जीर्ण और शीर्ण। तो इस जीर्ण शीर्ण क्या है, टुकड़े टुकड़े बिखर जाना। जीर्णी भवत, ये निर्झर का जल जो है ऊपर से गिरते समय, पर्वत से, पर्वत से जो जल गिरता है वो निर्झर है, झरना है। गिरते समय वो दूरी तय करता है इतना कि बिखर जाता है, झरझर झरझर छितरा के पानी गिरता है। ये सेंस है उसमें निर्झर में, निर्झरणाति जीर्णी भवती। वो जल जीर्ण शीर्ण छितरा के हो जाता है, नीचे आते आते इतना सुंदर फुहारा जैसे उसमें से निकलता है, वो निर्झर है। तो स्नेह निर्झर बह गया है, कवि का भाव है वो, विरह का, स्नेह का निर्झर बह गया है। रेत ज्यों तन रह गया है, ये जो तन है सूख करके रेत जैसा रह गया है, जैसे जल निकल जाता है, जल मैंने रस, स्नेह का रस निकल गया तो यह शरीर, जैसे जल हट गया तो रेत रह जाती है सूखी। रेत क्या है, क्यों उसका नाम रेत, मैंने बालू कह दिए हो गया, तो बालू है ये, तो रेत क्या। रेत हिंदी में प्रयुक्त करते हैं रेतस है, रेतस माने एक तरह से जल, वाटर फ्लोइंग, स्ट्रीमिंग, करंट वाटर, और उसके द्वारा जो कुछ जमा कर दिया जाता है लेकर के, रेतस माने जल, और उसके द्वारा वो जमा कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, वो रेत है। पानी हट गया, करंट वाटर फ्लोइंग गोइंग, जो बचा वो रेत है। रेत ज्यों तन रह गया है, ये रेत है। रेतस माने फ्लोइंग वाटर, और पानी हट गया तो रेत बच गया। शब्दों का कमाल है। अच्छा, रेगिस्तान कहते हैं हम लोग, पढ़ते लिखते सुनते हैं रेगिस्तान रेगिस्तान रेगिस्तान, इसका मतलब क्या, वो जो उसमें रेग है, रेग माने बालू होता है, रेत, रेगिस्तान का मतलब बालू का स्थान है, जहाँ जिधर देखिए बालू ही बालू दिखाई देता है, इसलिए रेत ही रेत दिखाई देता है, इसलिए रेगिस्तान। रेगमाल एक आता है, रेगमाल बालू जैसा खुरदुरा खुरदुरा रहता है रगड़ने के लिए, रेगमाल। तो रेग माने बालू, नाम जो रखे गए हैं उसमें अर्थ छिपे हैं,
नहीं तो बोल रहे हैं हम रेगिस्तान, समझ भी रहे हैं, लेकिन ये नाम क्यों है उसका ये नहीं जान रहे हैं। इसको खोल रहे हैं हम शब्दों की व्याख्या करके कि बच्चे रेगिस्तान जान रहे हैं तो उसी समय थोड़ा सा बता दें कि रेगिस्तान क्यों, रेग माने बालू होता है, सैंड, निर्झर है तो क्यों झर है, झरझर झर करके पानी छितरा जाता है, रेत है तो क्या है। उस कविता में हम जब पढ़ाएंगे उसको पुलिन जब बात आ जाएगी तो चर्चा कर ही देंगे सबका। श्रोता समझने लायक हो तो, नहीं तो बस बोल दिए पुलिन मन किनारा काम हो गया, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। लेकिन यदि बच्चा सवाल करता है कि किनारा होता है तो पुलिन क्या, तब मतलब उसका तो थोड़ा खोलेंगे। इस तरह से विभिन्न कविताओं के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से शब्द यदि जानने लायक होंगे तो उनको खोलना, उनका अर्थ स्पष्ट करना, व्याख्या करना उनकी, ये मेरा उद्देश्य है। शब्द विचार पर ही अभी चल रहे हैं हम, शब्दों की व्याख्या बहुत सारे शब्द हैं की जा सकती है, इसके बाद वाक्य विचार पर बात करेंगे हम कि जो वाक्य की रचना कैसे की जाती है। मूलतः तो शब्द का प्रयोग वाक्य में होगा, तो कुछ लेखन पर बात करेंगे कि एक अनुच्छेद लिखे हम, निबंध लिखे हम, एक पेज लिखे हम तो उसमें गलती न के बराबर हो, चाहे वर्तनी की गलती हो, शब्द के प्रयोग की गलती हो, विराम चिन्हों के प्रयोग की गलती हो, इनको करेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे हम कि विद्यार्थी या शिक्षक या कोई भी कम से कम गलती करें, समझें हिंदी हमारी भाषा है। जब बोलते हैं हम, लिखते हैं हम तो शुद्ध हो, एक आनंद आता है। तो अगले भाग में देखेंगे हम अन्य महत्वपूर्ण रोचक प्रचलित शब्दों की व्याख्या। धन्यवाद।